हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोकोनट मलाई लड्डू की रेसिपी, जो हम बना रहे हैं नवरात्रि स्पेशल। नवरात्रि चल रही है और हमें व्रत में खाने के लिए हरदम कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल फ्रेश कोकोनट से लड्डू। यहाँ ले रही हूँ मैं फ्रेश कोकोनट, जिसे मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया है। यहाँ देखिए, मैंने जो कोकोनट के पीछे वाला काला हिस्सा है उसे निकाल दिया है, ताकि जो हमारे लड्डू बिल्कुल वाइट बने। तो यहाँ ले रही हूँ मैं एक मिक्सर का जार, इसके अंदर हम डालेंगे ये सारे कोकोनट के पीसेस किए हुए, और हम इसे एक बार मिक्सर में चला लेंगे। हमें इसका एक पेस्ट बनाना है, और याद रखिए कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोकोनट के पीसेस ना हों। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें इसे मिक्सर में पीसना है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक पैन, पैन के अंदर मैं रखूँगी मेजरिंग कप, और इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश कोकोनट के मिश्रण को, और इसे मेजर कर लेंगे कि कितना बना है, ताकि हम इसके अंदर शुगर डालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितना कोकोनट ले रहे हैं। तो इस तरह से हल्का सा मैं प्रेस करते हुए इसे मेजर कर रही हूँ कप से। ये देखिए, ये एक कप मैंने ले लिया है। अब बचा हुआ मिश्रण भी हम इसमें मेजर कर लेंगे। ये मैंने 2 कप लिया है। अब इस मिश्रण को हम गैस के ऊपर गर्म रखेंगे, फ्लेम को हमें मीडियम लो ही रखना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप फुल फैट मिल्क। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क ना हो तो आप नॉर्मल वाला जो मिल्क है उसे 1.5 कप डालिए। बस इसी तरह हमें इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना है, ताकि जो हमने इसके अंदर मिल्क डाला है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। हमें इसे बिल्कुल भी फुल फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो ये अगर जल गया तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, अभी भी इसके अंदर दूध एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। जब तक इसके अंदर पूरी तरह से दूध एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, हमें इसे चलाते रहना है। बस अभी ये अच्छे से मिल्क एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इस तरह हम इसे साइड में हटा के देखते हैं तो इसमें मिल्क नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। यहाँ ले रही हूँ मैं 1 कप शुगर। हमने कोकोनट के मिश्रण को 2 कप लिया था, तो हम इसके अंदर शुगर डालेंगे 1 कप। अब हम इसे लो फ्लेम पर ही कुक होने देंगे, ताकि जो शुगर हमने इसमें डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। कोकोनट लड्डू बनाते टाइम आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, आपको इसे या तो नॉनस्टिक पैन में बनाना है, या फिर मोटे तले की कढ़ाई में बनाना है, ताकि ये कढ़ाई के तले में चिपके ना। अगर ये थोड़ा भी कढ़ाई के तले में चिपक जाए तो इसका कलर और टेस्ट दोनों भी ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए, शुगर अब अच्छे से मेल्ट होकर फिर से एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मलाई। यहाँ लिए मैंने 1 कप मलाई, ये घर की फ्रेश मलाई है। आप चाहें तो 1/2 कप मलाई लेकर इसके अंदर 1/2 कप मिल्क पाउडर या फिर घी भी डाल सकते हो, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पर हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं, तो हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, और हमने घी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हम बना रहे हैं मलाई लड्डू, तो हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मलाई का ही फ्लेवर चाहिए। इसके लिए हमने इसके अंदर घी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए, मलाई भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर मलाई डाली है वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाए और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर। यहाँ ले रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। आप चाहो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। पर मैं यहाँ बना रही हूँ कोकोनट मलाई लड्डू, तो मैं इसे प्लेन में ही बनाऊँगी। हमें इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हम इसे इस तरह चेक करेंगे। हम इसका एक छोटा सा पोर्शन लेकर इस तरह हाथ में उसका बॉल बनाएंगे। ये अच्छे से बन रहा है, हाथ में चिपक नहीं रहा है, यानी ये रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पैन को नीचे उतार लेंगे गैस से। अब ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, हमें ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है, बस हम इसे हाथों से छू सकें बस इतना ही हमें इसे ठंडा करना है। अब हम इसे एक बड़े से बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से इसे हाथों से बांधते हुए इसे लड्डू का शेप देंगे। ये देखिए, कितना अच्छा से बन रहे हैं हमारे लड्डू, बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और इन लड्डुओं को मैं इसके अंदर एक बार कोट कर लेती हूँ, ताकि ये दिखने में और भी ज़्यादा वाइट दिखे, और जो भी हल्का सा इसके अंदर चिपचिपापन है वो निकल जाए,
और ऐसा करने से इन लड्डुओं का जो लुक है और भी ज़्यादा अच्छा आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस तरह इसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर में कोट कर सकते हो, ना चाहे तो ना कीजिए। बस इसी तरह हमें सारे लड्डू बनाकर तैयार करना है। ये लीजिए, हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। अब हम इसे एक अच्छा सा लुक देने के लिए इसे कर लेते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ कटे हुए पिस्ता के स्लाइस इसके ऊपर। आप चाहे तो इसके ऊपर केसर के धागे या फिर और कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हो पिस्ता की जगह। तो ये तैयार है हमारे सारे कोकोनट लड्डू बनकर। ये देखिए, यहाँ मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। है ना ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी। तो अब की बार जब भी आप कभी व्रत करें या आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो इन कोकोनट लड्डू को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स कर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।